व्हाट्सअप भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। चलिए एक नए सेटअप के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस किसी को भी वीडियो एडिटिंग करना हो, गेमिंग खेलना हो, सबसे ढासू पीसी लेकर आए हैं और इसमें हमने किस किस कंपोनेंट का यूज किया वो भी देखते हैं। जिसका भी बजट 68,000 से 70,000 के बीच में हो, उन सबके लिए ये सीपीयू सबसे बेस्ट में है। चलिए देखते हैं इसमें किस कंपोनेंट का हमने यूज किया है। कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट में हम लैपकेयर का गेमिंग वाला यूज कर रहे हैं। गेमिंग में हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है, पर कस्टमर को ये कैबिनेट पसंद आया तो हमें इसमें बिल्ड करना पड़ रहा है। पावर सप्लाई की बात की जाए तो पावर सप्लाई में हम सर्कल का गेमिंग वाला 650 वॉट यूज कर रहे हैं, जो 3 साल वारंटी के साथ में आता है। कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड में हम कॉस्मिक बाइट का 1 यूज कर रहे हैं। कीबोर्ड के मामले में बोला जाए तो ये सबका बाप बन चुका है। माउस की बात की जाए तो माउस भी हम कॉस्मिक बाइट का हनीकॉम का यूज कर रहे हैं, जो माउस देखने में बहुत ही कड़क लगता है। इसका रिव्यू भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे और 1 साल वारंटी कीबोर्ड और माउस की दोनों की आती है। स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज में हम जियोनिक्स का 4TB यूज कर रहे हैं, जो 2 साल वारंटी के साथ में आता है। सीपीयू को ठंडा रखने के लिए हम थर्मल टेक का UX100 यूज कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। जिस किसी का भी बजट रेडिएटर का ना हो तो आप ये लेकर यूज कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस में हम पावर एक्स का 512 साटा यूज कर रहे हैं, ये भी हमने कस्टमर के डिमांड पर डाला हुआ है। रैम की बात की जाए तो रैम में हम 16GB XPG का DDR4 यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम फ्रंटेक का UPS भी उनको रिकमेंड किया, ताकि उनके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम बहुत है, तो हमने ये चीज उनको रिकमेंड की है। आजकल UPS की बहुत डिमांड है, क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन हर एरिया में कभी ना कभी होते रहते हैं। तो आप जब इतना महंगा CPU वापरते हो तो क्या आप एक UPS नहीं यूज कर सकते हो? अब हमारे हीरो प्रोडक्ट की बारी आ रही है। हीरो प्रोडक्ट में हम मदरबोर्ड H510 यूज कर रहे हैं, लैपकेयर का, जो 3 साल वारंटी आती है। अब मदरबोर्ड को दिमाग देने के लिए हम प्रोसेसर ला रहे हैं i5 10th generation, जो आप ये देख सकते हो। इसको आंख देने जा रहे हैं, जो आंख में हम GB का RTX 3050 यूज कर रहे हैं, जो 8GB के साथ में आता है, 3 साल वारंटी आती है, जिसमें आपको विजुअल बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। इन सबको देखने और दिखाने के लिए इन सबका बाप आ रहा है, सैमसंग 27 इंच मॉनिटर, जो कलर वेरिएंट में आपको एडिटिंग में बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसका रिव्यू भी आपको वीडियो में दिखाते हैं। चलिए मदरबोर्ड ऑन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मदरबोर्ड का लुक लगता है। इसमें आपको ऐसा साटा केबल मिल जाता है, ये फुट्टे आ जाते हैं, ये खाली बॉक्स बच गया। हाँ, इसमें कुछ और भी हो सकता है। हाँ, पैनल भी है, CD ड्राइव है, ये लव लेटर है, बॉक्स उठा के सब फेंक देने का। इस तरीके से मदरबोर्ड का लुक आ जाता है। इसमें NVMe का स्लॉट भी दिया हुआ है। हम NVMe इसलिए नहीं बिठा रहे हैं कि कस्टमर ने हमें साफ साफ मना किया हुआ है कि आप इस स्लॉट को बुक मत करिए, क्योंकि मैं आगे चल के SSD बढ़ा सकता हूं, तो इसके लिए मैं इस स्लॉट में बिठाऊंगा। अब चलिए इसमें प्रोसेसर लगाते हैं और इसे बहुत ही प्यार से निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं i5 10th generation यूज होने जा रहा है, जो F सीरीज का नहीं है, नॉर्मल वाला है। इस फैन को हमने अपने पिछले वीडियो में भी यूज किया है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम आई बटन पर डाल देंगे, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। अब इसे सेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसे इस तरीके से बिठाना होगा, लॉकिंग प्रॉपर देखना है। इसे बिठाने के लिए आपको 4 इस तरीके प्लास्टिक के मिल जाएंगे, तो आपको ये देखना है कि कौन से खांचे पर ये बैठ रहा है। ये खांचा आप दिख रहा है आपको, अपने हिसाब से इसको वहां पर सेट करना है। ये आप देख सकते हो हमारा फैन लग चुका है। चलिए अब रैम लगाते हैं और इसका सील इस तरीके से कट कर। लैपकेयर का हम ये कैबिनेट यूज करें, जिसका लुक आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है। इसका सेम चीज व्हाइट में भी आता है, जिसमें हमने CPU बिल्ड किया हुआ है। अगर वो वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो आई बटन में राइट साइड में आपको दिखाई देगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके चेक। ये आप SMPS देख सकते हो। चलिए आपको 600 वॉट का लुक भी दिखा देते हैं। इस तरीके से इसमें SMPS आपको मिलता है और 4 स्क्रू मिल जाते हैं, पावर कॉर्ड मिलता है, बहुत ही लंबे केबल है, आप जैसे चाहो वैसे मोड़ कर आप लगा सकते हो कैबिनेट के अंदर। ये अंदर से भी सील आता है। अब इसमें हार्ड डिस्क लगाने के लिए आपके को इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, जो बाहर निकालने के लिए है। चलिए अब इसमें SSD लगाते हैं।
इसमें एसएसडी लगाने का ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है, तो आपको नीचे लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रू टाइट कर लेना है चारों के चारों। चलिए अब इसमें ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। ये हमारा ग्राफिक कार्ड का लुक आप देख सकते हो। इसमें आपको एक DVI पोर्ट, एक HDMI और एक आपको DP पोर्ट मिल जाता है। केबल मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप अंदर से देख सकते हो किस तरीके से हमने केबल मैनेजमेंट किया है, और पीछे से भी आप देख सकते हो किस तरीके से हमने किया हुआ है। अभी आप इसमें सोचते रहोगे कि केबल अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन पर क्या करें, हमको भी मजबूरी में इसे इस तरीके से करना पड़ा क्योंकि इसमें कंजेस्टेड एरिया है, इस तरीके से हमें पीछे उसको सेट करना पड़ा। अगर ये कैबिनेट थोड़ा लंबा होता तो हम इसे अच्छे से सेट करते, पर ये छोटा होने की वजह से हमें उस तरीके से वायर दबाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद विंडोज डालकर और दिखाते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा CPU पूरी तरीके से बिल्ड हो चुका है। लुक की बात की जाए तो आप बाहर से लुक देख सकते हो, ये आप अंदर का भी लुक देख सकते हो। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो आप, i5 का 10 जनरेशन, 3.30 GHz, 16 GB रैम है। और अब हार्ड डिस्क के पार्टीशन की बात की जाए तो हार्ड डिस्क का पार्टीशन भी आप देख सकते हो कि 512 का हमने सिंगल ड्राइव रखा है और 4 TB का दो पार्टीशन किया एज पर कस्टमर डिमांड। ठीक है, अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो कि हमारा CPU किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो ग्राफिक कार्ड भी आप देख सकते हो कि RTX 3060 किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आपको वीडियो क्वालिटी भी दिखाते हैं कि इसमें वीडियो क्वालिटी किस तरीके से प्ले हो रहा है, ये आप देख सकते हो। 4K में हमने सेटिंग किया हुआ है, आपको 8K में भी प्ले करके दिखा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हो। 4K HD और 8K में भी दिया हुआ है, हमने 8K पे रखा है और 8K की सेटिंग करने के बाद ये वीडियो की क्वालिटी निकल कर आ रही है। चलिए आपको एक गेम प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें गेम प्ले हो रहा है। देख सकते हो हमने गेम प्ले कर दिया है, स्पाइडरमैन हम प्ले कर रहे हैं। आज कुछ अलग ही प्ले कर रहे हैं क्योंकि GTA 5 खेल खेल कर हम भी थक गए और आपको दिखा दिखा कर हम भी थक गए, तो हम नहीं चाहते कि आप किसी तरीके से बोर हो, तो आज कुछ नया और स्पेशल दिखा रहे हैं आपको। ये आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की लैकिंग नहीं है और ना ही हमने कोई भी प्रकार की सेटिंग की हुई है। जिस किसी को भी CPU के बारे में या कोई भी CPU के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो। और आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेटअप के साथ में।